8 सालों से भी ज्यादा लंबे संघर्ष के बाद हिसार के मिर्चपुर कांड के पीड़ित दलितों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट देने का काम हरियाणा की मनु सरकार ने किया है। मिर्चपुर के 258 दलित परिवारों को हिसार के ढंडूर गांव में मुफ्त प्लॉट देकर सरकार ने अपने सियासी विरोधियों पर जोरदार हमले किए। 8 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मिर्चपुर कांड के विस्थापित 258 दलित परिवारों को हिसार के ढंडूर गांव में 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट सौंपने का मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया। इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने अपनी अहम भूमिका निभाई और फिर इन दलित परिवारों से उसी वक्त अपने काम का सिला मांग लिया। हाईवे के बिल्कुल किनारे पा गए, एक दो महीने पीछे चुनाव की बात चल जाएगी, कभी उरा भजन लाल का छोरा ब्रेक मारे करेगा, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी ब्रेक मारे करेंगी, कभी भाई अशोक तंवर की साइकिल रुके करेगी, कभी भाई कंगी बाला में मार दो हमारी बहन शैलजा उतरे करेगी। इस बात का तम ध्यान कर लियो, 8.5 साल हमारी नौजवान बेटियां टेंटों के अंदर रही है, उन लोगों की बदल नीतियों के कारण रही है, आपका अपमान हुआ है, पीने का पानी नहीं मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता देना कि तेरी कोठी पे गए थे, कोठी के बाहर जो छोले कुलचे वाले थे वो भी आपने डंडे मार के भगवा दिए थे, और दूसरी तरफ मनोहर लाल जी आपको खाना खाए बिना नहीं आने देते। हिसार जिले का मिर्चपुर गांव हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नारनोंद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु ने मिर्चपुर के इन दलित परिवारों को यहां तक कह दिया कि ढंडूर गांव में फूलो फलो और आबाद रहो, लेकिन अपने वोट मिर्चपुर गांव में ही बनाए रखना। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाइयों बस बेशक उड़े जाइयो, लेकिन वोट अपना ओड़ा बनवा कर रख लियो। मैं तो न्यूको देखो, साझा नहीं छोड़ना चाहिए, अपना साझा जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, और मारा करेगा फिर फायदा के जब तुम हमारे साथ थोड़े नहीं दिखोगे। अब बारी सूबे के मुखिया मनोहर लाल के सियासी दाव खेलने की थी, लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मंच से एक सधी हुई पारी खेलने का काम किया। लगातार 8 वर्ष से इस दुर्घटना के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं कि सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, उनकी समस्या का हल निकालना वास्तव में सरकार का काम होता है, लेकिन जैसा बताया गया है कि बड़ा दुखद ये पहलू है कि हमारी पिछली सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने, 4 साल बीत जाने के बाद भी उस समस्या का हल नहीं निकाला, केवल उसके ऊपर राजनीति की, लेकिन हमने आते ही कहा कि इस समस्या का हल चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने ढंडूर गांव के 8 एकड़ में बनी 258 दलित परिवारों की इस बस्ती को मनोहरपुरम नाम देने का विचार सामने रखा, तो मुख्यमंत्री ने इस बस्ती का नाम पंडित दीनदयालपुरम रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।